महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। 50-50 के फॉर्मूले को लेकर जहां पर शिवसेना अड़ी हुई है तो वहीं बीजेपी पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं। पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे सुधीर मुनगंटीवार ने 7 नवंबर तक सरकार न बनने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बयान पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में अब बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया है। शिवसेना ने सामना में राष्ट्रपति शासन लगाने के बीजेपी के बयान पर कहा कि विदा होती सरकार के बुझे जुगनू नए मजाक कर रहे हैं। वहीं मुनगंटीवार की राष्ट्रपति शासन की धमकी असंवैधानिक है और राष्ट्रपति शासन की धमकी जनादेश का अपमान है। तो विदा होती सरकार के वित्त मंत्री ने नया शगुफा छोड़ा है और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता निचले पायदान पर हो गई है। तो वहीं राष्ट्रपति शासन की धमकी से शिवसेना बिफरी है और फिलहाल शिवसेना ने लिखा है कि जुल्म करने वालों के खिलाफ शिवाजी की तलवार उठी थी। कानून और संविधान किसी की गुलाम नहीं। वहीं राष्ट्रपति संविधान की सर्वोच्च संस्था है, वो व्यक्ति नहीं देश है। तो बीजेपी को सरकार बनाने की चुनौती देते हुए सेना ने लिखा है कि धमकी देने वाले पहले सरकार बनाने का दावा तो पेश करें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच नई सरकार के गठन को लेकर बात अब तक नहीं बन पाई है और इस बीच लगातार वार पलटवार का जो दौर है शिवसेना और बीजेपी के बीच वो लगातार जारी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के एक नेता ने जब बयान दिया तो उस पर सामना में साफ शब्दों में तीखा हमला किया गया है बीजेपी पर।